दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मोदीनगर ग्राम बिसोखर लंकापुरी के लोग गंदगी को लेकर परेशान हैं। लोगों को बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों की माने तो इसको लेकर वे कई बार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। दरअसल मोदीनगर ग्राम बिसोखर लंकापुरी के लोग गंदगी को लेकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुछ समय पहले नहर विभाग के कर्मचारियों ने नाले की सफाई की, लेकिन उससे कूड़ा कचरा निकालकर वहीं छोड़ दिया गया, जिससे गांव में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। आलम यह है कि कूड़े के कारण पास में बने कब्रिस्तान तक के गेट को ताला लगाना पड़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि तकरीबन एक महीना होने को आया है, लेकिन इस गंदगी का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। लोग यहाँ पर खड़े हुए ये पूरा मामला यह है, नहर भाई ने कूड़ा निकाला था अब से लगभग 15 दिन पहले। उनसे कहा गया था इसे उठा लो या एक साइड में को डालो, पूरा रास्ते में उन्होंने डाल दिया और निकालने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। कोरोना महामारी चल रही है, लोग बाग इससे बीमार हो रहे हैं, गंदगी इतनी हो रही है और भंगियों के जानवर यहाँ आ जाते हैं। और ये कब्रिस्तान है पड़ोस में, इस कब्रिस्तान का ताला इसकी वजह से लगाना पड़ रहा है। जानवर इस सब में घुस जाते हैं, झगड़े का माहौल बन गया। एक बार तो एक का जिनावर जो है कि एक के घर में भी आ गया, वहाँ भंगियों की उनकी लड़ाई होने को तैयार होगी। सब इस कूड़े की वजह से हो रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। SDO वगैरह इनके हैं नहरवाई वालों के, इनसे कहा ये तो कहते हैं हमारा तो निकालने का काम है, उठाने का थोड़ी ना है। कई बार इनसे बात की हुई इस बारे में। बताया जा रहा है कि गंदगी की शिकायत लोग नहर विभाग के आला अधिकारियों तक कर चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि इस कूड़े को यहाँ से उठवाने के लिए गांव वालों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे और किन किन अधिकारियों की चौखट खटखटानी होगी।